तो गाइस आज हूँ मैं बैपू के अंदर। बैपू जो है वो जापान की एक सिटी है और ये फेमस है हॉट स्प्रिंग के लिए। यहाँ पे 7 हॉट स्प्रिंग्स हैं। तो अभी जो मेरी प्लानिंग है वो स्प्रिंग देखने की है। मैंने अभी यहाँ से टिकट ली है। ये टिकट मेरे को एंट्री देती है 7 स्प्रिंग्स की, जिसकी फीस जो है वो अराउंड 2000 येन है। और अभी मुझे यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो भी 2000 येन वो लेंगे और 2000 वापस आने के। तो अब ये प्लान है और ये सारा टूर मेरे को लगेगा अराउंड 2 घंटे 2 ढाई घंटे मुझे लग जाएंगे वहाँ जाने में और आने में। सो लेट्स गो देयर। टैक्सी मैंने ले ली है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया था कि 2000 लगेंगे। ここが一番に行くか、ここに一番に行くか、どっちがいいですか ？Okay。どっち？こっちこっち ？Okay。Yeah。Drop me here。だね。だ、1300円。Yeah。But how much I need to pay you? What is the money I have to pay you? How much？ So much。How much ね ？Yeah。これが一枚。How much？ What？ それとこれが。どういうボールね？ओके ओके 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 वेरी गुड। अब 1500 में जुगाड़ कर लिया है मैंने। हम पहुंच गए हैं, एक्चुअली 10 मिनट लगे मुझे यहाँ आने में, 10 मिनट। और ये इस उन्होंने मेरे से लिए हैं 1300 येन। और ये हम यहाँ आ गए। Thank you. Thank you. अब यहाँ देखना है कि हमें जाना किस डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ तो हम पहुँच गए। This is entry, right? This is. Change, sorry, change します。ここで。Okay, change the ticket for. Yes, yes. Number one. Okay. Okay. Left 3, 4, 5. So one is here. Yes. Two over there. Okay. Individual. Okay. Down, 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 down. Bus number 16. Hi. तो explain किया है कि कहाँ जाना, कैसे कैसे करना है। तो ये है टिकट जो मैंने ली है। ये 2200 येन की है एक टिकट, और इसकी अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे। एंट्री फ्रॉम हेयर राइट, एक्सक्यूज मी। उन्होंने मेरे को ये भी सब एक्सप्लेन किया है। देखो ये सारा इसके अंदर, ये एक्चुअली 5 हैं। ये ऊपर है 2 और 5 ये हॉट स्प्रिंग है। तो चलो मैं आपको घुमाता हूँ ये पूरा हॉट स्प्रिंग आज। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have. Let's hold on tight. यहाँ से यहाँ पे actually हम stamp लगवा सकते हैं। तो stamp भी लगाने जरूरी है। This one, right? This one. This one. Okay. This one. Huh? Thank you. Thank you. इनसे पूछा मैंने कहाँ स्टैंप लगानी है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा। जिसने जापान नहीं घूमा उसने कुछ नहीं घूमा। तो ये
पहला स्प्रिंग है, अब यहाँ से रास्ता जाता है, हम जाएंगे सेकंड स्प्रिंग के लिए। सेकंड स्प्रिंग है, खाना पड़ेगा ही। और दिस वन यस दिस वन कैन यू टेक इट, थैंक यू दिस वे राइट, थैंक यू। अभी हमने एंट्री की है सेकंड के अंदर, ये सेकंड स्प्रिंग है जो ऊपर जाते हैं, देखो देखो दोबारा निकल रहे हैं इसके अंदर से, ये कहीं ना कहीं दलदल ऐसा लग रहा है मुझे, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे इंग्लिश में साइनेज है ही नहीं, सब कुछ जैपनीज में है, तो ये बहुत मुश्किल है समझ पाना है। तो अभी हम जा रहे हैं तीसरे स्प्रिंग की तरफ, जो कि वो सामने ही है, मुझे दिख रहा है स्टीम निकलती हुई, ये साइनेज लगा हुआ है थर्ड उसके लिए, थर्ड स्प्रिंग के लिए। और अपने इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे हजारों जगह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, हम चीज़ों को प्रमोट नहीं कर पाते और अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पूरी सिटी जो है वो इसी कारण फेमस है, ये गर्म पानी के चश्मे के कारण, लेकिन उन्होंने बहुत ही जबर तरीके से इसको डेवलप किया हुआ है। अब देखो पानी यहाँ पे ये लाल है, अब कहीं ना कहीं ये पानी तो सेम है, लेकिन जो मिट्टी जो है ना नीचे की, वो मिट्टी इसको लाल बना रही है, लेकिन ये लाल नहीं है, है तो वही, बट somehow they have done a good job, it's very nice। ये है थर्ड स्टैम्प, अब थर्ड स्टैम्प के लिए मुझे समझना पड़ेगा कि ये कौन से वाला था, आई थिंक ये वाला है, और ये लगी तीसरी स्टैम्प। तो ये एंट्री है अभी क्रोकोडाइल वाली, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्रोकोडाइल हैं भी या नहीं है, और है तो इतने गर्म पानी में कैसे रहते होंगे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 99.1 डिग्री सेल्सियस है, तो आई हैव नो क्लू। ये देखो पानी कैसे खोल रहा है, मतलब बॉइलिंग वाटर ही कह सकते हैं इसको आप, और ये स्प्रिंग आज से नहीं हजारों साल पुराने हैं यहाँ पे,
अलग ही एक्सपीरियंस देखा जाए तो। अच्छा वो सामने क्रोकोडाइल है एक्चुअली, यहाँ पे वो क्रोकोडाइल का पूरा इन्होंने इसके अंदर देखना पड़ेगा क्रोकोडाइल। लेकिन मुझे क्रोकोडाइल देखने का कोई, अच्छा ये रहा, अरे भयंकर, बाप रे, देखो दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा क्रोकोडाइल है, वो देखो वो पड़ा हुआ नीचे, बाप रे, मतलब इसके एक पिक था। लेकिन जिस हिसाब से पानी उबल रहा है ना, तो ये चार हो गए कंप्लीट। What is this called? Chinoike? Chinoike? Chinoike. ये 6th number का है। गाइस ये था मेरा बेपू का हॉट स्प्रिंग का टूर। इसके बाद शिप पे वापस जाना है। अगर आपको ये स्प्रिंग्स पसंद आए हो, ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कल हम पहुंच जाएंगे हिरोशिमा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, समथिंग thank you.